शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। वैसे ही शामली जिले के 26 साल के अजीम मंसूरी शादी के लड्डू खाने की तलाश में दर बदर भटक रहा है। अजीम मंसूरी अपना हमसफर तलाशने के लिए जिले के महिला थाने में पहुंचा। वहां उसने कहा, कोतवाल साहब मेरी शादी करा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। इन्हें शादी के लिए लड़की तलाशने में मुश्किलें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि अजीम मंसूरी की लंबाई महज 3 फीट 2 इंच की है। वह 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर का है। इससे पहले इस युवक ने SDM से लेकर मुख्यमंत्री तक से शादी की गुहार लगाई है। मारपीट झगड़े समेत कई दूसरे तरह के आपराधिक मामलों को निपटाने में जुटी कोतवाली पुलिस उस वक्त असमंजस में पड़ गई जब 26 साल का बोना युवक शादी कराने की गुहार लेकर कोतवाली पहुंच गया। पुलिस ने उसके पूरे मामले को सुनने के बाद किसी तरह युवक को वहां से रवाना किया। बताया जा रहा है कि कैराना में मोहल्ला जोड़वा कुआं के रहने वाले 26 साल का मोहम्मद अजीम मंसूरी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे है। 3 फीट 2 इंच की लंबाई होने की वजह से आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई है और घर वाले सालों से इनके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक अपनी शादी के लिए मुलाकात कर चुके हैं लेकिन लंबाई कम होने की वजह से आज तक कुंवारे। जब कहीं सफलता हासिल नहीं हुई तो अजीम शामली के महिला थाने पर पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस स्टाफ से कहा, साहब मेरी शादी करा दो, मैं बहुत परेशान हूं। इसके आगे उसने शादी कराने के लिए परिजनों पर दबाव बनाने की पुलिस से मांग की है। कोतवाली में शादी कराने की गुहार लेकर पहुंचे युवक अजीम मंसूरी ने बताया कि वह कैराना का रहने वाला है और उसकी उम्र 26 साल हो गई है मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। बकौल अजीम हाइट कम होने की वजह से जहां भी उसकी शादी की बात चली वहीं से इनकार हो गया। अब घर वालों ने भी उसकी शादी कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने दावा किया है कि वह SDM से लेकर CEO तक से गुहार लगा चुका है मगर इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। मेरा नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी जोडुआ गोवा कैलाने से आया मैं यहाँ जामली में मेला थानी में ब्याह की शिफारिश लगाने। अच्छा, शादी नहीं हो रही तुम्हारी? जी मेरी शादी हो ही नहीं। मैंने ATM साहब को, कोतवाल को, जियो को, सबको लेके आया था अपने घर। उन्होंने सबने ना कर लिया, यानी हम निकलाते 2 महीने का टाइम दिया था नाकल साहब है निकल। मैं अब तक जियो बन के मैं पटियाले है मैं। अच्छा, क्यों नहीं हो रही शादी तुम्हारी? जी मेरी उम्र 26 साल के उम्र है जी। फिर वो तमन्ना भी आगे मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं बोली अल्लाह पाक मेरी दुआ गले का नहीं कबूल। तो आज आप महिला थाने में आए, किस लिए आए महिला थाने में आप? जी शादी की वजह से मेरी शादी लीजिए तो आले मेले बदले मेरे माँ बाप गलते नहीं। चामली में भी है मेरे IT की लोन दिया अच्छी याद के मनी वालों में उन्होंने मैं ना कर लिया। तो आप मिले इन्होंने क्या बताया? लंबा छोटा हाइट में छोटा कम है क्या उन्होंने ना कर लिया। वहाँ जी बात पक्की चल रही थी मेरी। अब महिला थाना वालों ने क्या कहा तुम्हें? अजी महिला थाने वालों ने उन्होंने मेरी मांग बोली निकल कोई मेरी मांग बोली निकलता पैसा मैं गरीब आदमी हूँ मेला कोई घुमाने वाला नहीं। एक दुकान आवे गल वालों का पेट पलो मैं। अब किससे सिफारिश लगाओगे अपनी शादी की? जी किसी से भी नहीं। अच्छी हम जो चेचे आए थे ऊपर से दुनिया में थे ऐसे ही चले जावे के शादी जो चाहे जब करते नहीं। मैं ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।